मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज करनाल जिले में 24 नए केसेस हमारे को रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2 एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। तो उसके लिए हमने सभी इंचार्जेस को सूचित कर दिया, जिन्होंने अपनी टीम्स बना के पेशेंट को शिफ्ट करवा दिया है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी चल रही है कि सभी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट करके और उनको भी टेस्ट कराने का प्रोसेस हमारा चल रहा है। लोगों से यही अपील रहेगी कि सरकार की तरफ से अनलॉक 2 समाप्त हो रहा है और कुछ रिलैक्सेशन दी जा रही है, लेकिन हमें खुद ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़रूरी होने पे ही घर से बाहर जाएं और जो चीज़ें जो जगह पे जाना अवॉइड कर सकते हैं वो हम अवॉइड करें। और आगे त्यौहार भी आ रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी हमें अपनी मूवमेंट कम से कम रखनी चाहिए। इस बार त्यौहार अपने घर पे ही मनाएं ताकि और बीमारी को फैलने से रोका जा सके। लोग जितनी सावधानी खुद रखेंगे उतना ही फ़ायदा सभी को होगा। हाँ, टेस्टिंग में भी हम लोगों ने जो पहले टेस्ट हो रहे थे उससे काफ़ी हद तक हमने बढ़ा दिए हैं अपने टेस्ट। एंटीजन टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी है, जो तुरंत रिजल्ट देती है आधे घंटे के अंदर। और एंटीजन टेस्टिंग के भी हमारे 2 या 3 जगह पे डेली हो रही है। RT-PCR सैम्पलिंग जो होती है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं। फिक्स्ड साइट भी करनाल में CMO साहब की तरफ से आदेश हो चुके हैं कि वो 2 अन्य जगहों पे भी शुरू की जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएं और जल्दी से जल्दी अपना इलाज किया जा सके उनका। टोटल हमारे अभी तक कल तक जो थे 1029 केसेस थे, जिसमें से 648 रिकवर होके घर जा चुके हैं और 371 एक्टिव केसेस हैं और वो भी उन स्टेबल हैं बिल्कुल। गुरुकुल में काफ़ी अच्छी तरह से उनकी देखभाल हो रही है और जल्दी वो भी रिकवर होके घर चले जाएंगे। तो रिकवरी रेट हमारा अच्छा है, जितनी जल्दी लोग रिपोर्ट करते हैं टेस्ट करा लेते हैं उतना ही उनको ठीक होने में फ़ायदा होता है कि जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लोगों में ये एक भ्रांति है कि टेस्ट कराएंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा या एक जगह रख दिया जाएगा। इस तरह लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, टेस्ट करवाएं और टेस्ट करा के जो भी इलाज ज़रूरी है वो करवाएं और 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में ज़्यादातर लोग ठीक होकर अपने घर वापस चले जाते हैं और इससे ज़्यादा समय लगता नहीं है किसी को। तो ये बहुत ही एक थोड़ा समय है जिसमें इलाज भी हो जाता है और आगे के लिए सेफ्टी भी रहती है। अगर लेट हो जाएंगे तो उसमें बीमारी बढ़ सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।